हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल फाइन। मैं नाम सत्य जीत, आप देख सकते हो तो गेमर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली पबजी मोबाइल के अंदर फिर से और एक न्यू हिडन अचीवमेंट ऐड हो चुका है। अब ये वाला हिडन अचीवमेंट थोड़ा सा तो मुश्किल है, जैसे कि मैंने तीन और वीडियो बनाया था, हु हिट मी, फिर आर वी टीम मेट्स, फिर रवि स्पीकर, वो सारे जो अचीवमेंट्स थे ना बहुत ही ईजी थे। लेकिन ये वाला अचीवमेंट ना बहुत ही हार्ड है। लेकिन अगर आपके टीम मेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, मतलब आप आपके टीममेट्स के बोलकर हेल्प लेकर अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला हिडन अचीवमेंट थोड़ा सा तो मुश्किल है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। और ये वाला हिडन अचीवमेंट अगर आप करते हो, कंप्लीट करते हो, तो वैसे ही आपको 20 अचीवमेंट पॉइंट्स और उसके साथ एक प्रीमियम क्रेडिट कूपन फ्री में मिल जाएगा। ये वाला हिडन अचीवमेंट भी वो वैसे ही है, मतलब उनके तरह ही है कि जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगा, जब भी आप कंप्लीट करोगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हिडन अचीवमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा वही मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने फाइनली अपना जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो बना लिया है, एंड उसका मतलब ज्वाइनिंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने के बाद आप वहां पर मेरे को कोई मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, वहां पर जो भी चाहे आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पबजी में प्रॉब्लम होता है वहां पर आकर पूछ सकते हो, एंड उसके साथ मैं हर संडे को वहां पर आऊंगा आप लोगों से बात करने के लिए, तो वहां पर आकर मेरे से लाइव बात भी कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर लेना अगर चाहो तो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला अचीवमेंट भी आपको वैसा ही है, मतलब हिडन अचीवमेंट है, और जब तक इसको आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको दिखेगा नहीं, जब भी आप कंप्लीट करोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब रिवॉर्ड भी कलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, उसके साथ 20 अचीवमेंट पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला अचीवमेंट मैं खुद भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये वाला हिडन अचीवमेंट थोड़ा सा तो मुश्किल है। एंड लेकिन ये वाला हिडन अचीवमेंट का वो कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक फ्रेंड ने इंस्टाग्राम के अंदर एक वीडियो का लिंक भेजा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये वाला वीडियो देखो, इस बंदे ने अच्छे से इस वाले इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है वो बताया है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो को देखा, एंड मुझे देखने के बाद पहले तो समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने जब उनका जो मतलब वहाँ पर जो कमेंट्स थे, वहाँ पर जो इंग्लिश कमेंट्स मैंने देखा, तो वहाँ पर मैं समझ गया कि एग्जैक्टली आपको इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम मतलब एक ही मैच के अंदर करना होगा, ये तो आपका एसेंशियल है कि एक ही मैच के अंदर आपको करना होगा। तो तीन जो और चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आपका मिनिमम आपको 1000 डैमेज देना होगा एक ही मैच के अंदर, ठीक है। मिनिमम आपको 1000 डैमेज देना होगा, 1000 मिनिमम, और मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा दे सकते हो, 1100-1200 ये आपका मर्जी है, लेकिन आपको मिनिमम 1000 डैमेज देना होगा। सेकंड, आपको कोई भी किल नहीं करना है, जीरो किल, आपका जीरो किल होना चाहिए। अगर आपका एक भी किल हो जाएगा तो आपका उस मैच के लिए आपका वो अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई भी किल करना नहीं है, बस आप डैमेज देना, 1000 डैमेज आप दे सकते हो लेकिन आपका जीरो किल होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं बताने वाला था, तो थर्ड पॉइंट है कि आप तो आपके स्क्वाड के साथ करना होगा, ये वाला जो करना होगा आपके स्क्वाड के साथ ही करना होगा। और आपको स्क्वाड के साथ करने के टाइम आपके अलावा आपके जो बाकी के जो तीन टीममेट्स होंगे, उन टीममेट्स का टोटल किल मिनिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। 20 से ज़्यादा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उनका 20 किल टोटल होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका नाम है राम और आपका फ्रेंड का नाम है श्याम, और एक फ्रेंड का नाम है मधु और एक फ्रेंड का नाम है जदू, ठीक है। तो आप राम हो, आपको क्या करना है, आपको 1000 डैमेज देना है, मतलब आप सारे एनिमीज़ को 1000 डैमेज दे सकते हो, लेकिन आपको कोई भी किल नहीं करना है। आप नॉक भी नहीं कर पाओगे, लेकिन क्योंकि अगर आप नॉक करोगे तो आपका अगर टीममेट उसको फिनिश करेगा तो आपका वो किल आ जाएगा। तो इसीलिए आपको डैमेज देना है, किल नहीं करना है, ठीक है। किल या नॉक कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डैमेज देना है। 1000 डैमेज एक ही मैच के अंदर देना होगा। और आपके जो तीन फ्रेंड्स होंगे, मतलब टीममेट्स होंगे, शाम, जदू, मधु, उनको बोल देना है कि तुम लोग टोटल 20 किल्स मिनिमम करो, ठीक है, समझ गया ना। तो इसका क्राइटेरिया एक ही है कि जिनका होने वाला है, मतलब अगर आप कर रहे हो तो आपका किल जीरो होना चाहिए, लेकिन डैमेज आपका मिनिमम 1000 होना चाहिए एक ही मैच के अंदर। एंड आपके जो तीन टीममेट्स होंगे, उनका जो टोटल किल उसी मैच के अंदर 20 मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम 20 से ज़्यादा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका फ्रेंड्स का वहाँ पर 20 किल होना चाहिए उसी मैच के अंदर, मतलब एक ही मैच के अंदर आपका 1000 डैमेज होना चाहिए एंड जीरो किल होना चाहिए। एंड उसी मैच के अंदर ही आपके जो टीममेट्स होंगे, उन टीममेट्स का टोटल किल, आपका तो जीरो किल है लेकिन आपके जो बाकी के जो तीन टीममेट है उनका जो टोटल किल 20 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर 20 से प्लस होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20 से नीचे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। एंड जब आपका यहाँ पर एक ही मैच के अंदर 1000
डैमेज हो जाएगा एंड आपका जीरो किल होगा, एंड आपका जो तीन टीममेट होगा उनका जो टोटल किल अगर 20 है, तो मिनिमम 20 है, तो फिर आपका ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो के हेल्प से मैं दिखा रहा हूँ कि इस बंदे ने, देख सकते हो कि मैच खेल रहा है, एंड मैच के एंड पर आप देख सकते हो कि ये वाला बंदे के कोई भी किल नहीं है, इनका जीरो किल है, लेकिन आप डैमेज देख सकते हो इनका 1000 से ऊपर है, मतलब 1000 के ऊपर डैमेज है, लेकिन इनका जो किल है वो जीरो है, और इनका जो बाकी के जो तीन टीममेट है इन तीनों का टोटल किल 20 से ऊपर है, एंड एज अ रिजल्ट इनका जो अचीवमेंट वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आप देख सकते हो इनका वो अचीवमेंट कंप्लीट होने के बाद 20 अचीवमेंट पॉइंट और एक प्रीमियम क्रेड उनको मिल चुका है। तो ऐसे करके आपको ये वाला अचीवमेंट करना है, तो आप आपके फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो, अगर कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोग अच्छे खेलते हो तो ये वाला अचीवमेंट आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो ये अचीवमेंट थोड़ा सा तो मुश्किल मुझे बहुत ही लगा। इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो ज़रूर मेरे डिस्कॉर्ड पर आकर मेरे को इमेज शेयर कर सकते हो, मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यही अचीवमेंट के बारे में बताना था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।